नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है जिस तरह से कोरोना चल रहा है और इस कोरोना में हमें किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है, कैसे हमें अपना बचाव करना है। सबसे पहले आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये कोरोना की सेकेंड वेव है इसमें सबसे ज्यादा बॉडी के आपके जिस पार्ट को एफेक्ट कोरोना कर रहा है वो है आपके लंग्स। आप सबको पता है जैसे ही आपके लंग्स एफेक्ट होते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो हो जाता है। लो होने के कारण आपको श्वास लेने में दिक्कत होती है। जब ये दिक्कत आपको होती है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जितने भी केसेस आए हैं और जितनी डेथ हुई है आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण इस तरह से डेथ हो रही है। तो इन सब से बचाव के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूँ जिससे आपके लंग्स जो है काफी स्ट्रोंग हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छे लेवल तक बढ़ जाएगा और आप कोरोना आपको यदि संक्रमित भी करता है तो आप लंग्स आपके स्ट्रोंग है तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आज मैं आपको बाह्य और अंत प्राणायाम यानी कि ये ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो गए, ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छे से बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है वो आप अच्छे से देखना है और डेली आपको 5 से 10 मिनट इसी अभ्यास को करना है। इसमें आपको बिल्कुल अपने आप को लूप छोड़ते हुए एक बार बाहर की तरफ श्वास को छोड़ना है, एक बार आपको अंदर की तरफ श्वास को होल्ड करके रखना है। दोनों में आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको श्वास को होल्ड करके रखना है। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए हमें किस तरह से और क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो प्राणायाम आपको करने हो किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना है बाह्य प्राणायाम, श्वास को पूरी एनर्जी के साथ आपको एक्सहेल करना है और श्वास को होल्ड करके रखना है जिससे कि आपके लंग्स को पूरी एनर्जी मिले और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से दोनों हाथ रखेंगे, उसके बाद वेस्ट एनर्जी उसको बाहर फेंक देना है और श्वास को होल्ड करके रखना है। रिलैक्स, ये आपने देखा बाह्य प्राणायाम यानी कि श्वास को बाहर की तरफ आपने एक्सहेल किया, उसके बाद श्वास को आपने होल्ड करके रखा है। इससे होता क्या है, इससे आपके श्वास लेने की कैपेसिटी और होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। जितना आप श्वास को होल्ड करके रखेंगे उतने आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे और ऑक्सीजन आपको अच्छे से बॉडी में एंटर कर पाएगी। अब सेकंड जो है आपको करना है, जिस तरह से आपने श्वास को एक्सहेल छोड़ा है, एक्सहेल छोड़ने के बाद श्वास को आपको पेट को अंदर की तरफ इनहेल करना है, खींच लेना है, उसके बाद आपको अंदर की तरफ यानी कि उड़ान बंद में अपने आप को होल्ड करके रखना है। सेम प्रोसेसिंग वही रहेगी, एक्सहेल ऐसे ही करना है, उस ड्यूरेशन में आपको नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो ऐसे आपको पेट को अंदर की तरफ संकुचित करना, खींचना, उसको बोलते हैं उड़ान बंद। अब किस तरह से करना है वही, बिल्कुल श्वास को वेस्ट एनर्जी को बाहर छोड़ना है। तो दोस्तों ये था आपका बाह्य और अंत प्राणायाम। इस टेक्निक को आप इस तरह से करते हैं तो आपको कोरोना का जो खतरा होता है वो आपका लगभग खत्म हो जाता है और आपको कोरोना इफेक्ट नहीं करता। इस तरह से आपको डेली
5 से 10 मिनट इन दोनों प्राणायाम की आपको एक्सरसाइज करनी है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड श्वास को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आप इसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम आप इसको 1 मिनट तक भी श्वास को होल्ड कर रखे रखते हैं तो आपको अलग से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो फील होता है और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से हाई हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।